सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो एक और यूनिक रेसिपी लेके आज आ गया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन राइस होम स्टाइल में। तो सोयाबीन राइस के लिए मैं क्या लिया हूँ, इधर मैं लिया हूँ बीन्स, अदरक लहसुन और मिर्ची कूट के लिया हूँ, इधर एक प्याज लिया हूँ ऑनियन, इधर कैप्सिकम और इधर स्प्रिंग ऑनियन। तो देखिए इतना सा वेजिटेबल है और ये 100 ग्राम सोयाबीन है। तो इससे हम लोग अभी सोयाबीन राइस बनाएंगे। और राइस में बॉईल करने रख दिया हूँ, तो अभी मैं गैस ऑन कर लेता हूँ क्योंकि सोयाबीन अभी बॉईल कर लेता हूँ। अभी सोयाबीन में कैसे बॉईल करते हो आप देखिए थोड़ा। तो गैस ऑन कर दिया, अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगा सोयाबीन बॉईल करने के लिए। और इसमें थोड़ा जो कूटा हुआ अदरक और मिर्ची और लहसुन है वो इसमें ऐड करूँगा। और सोया सॉस ऐड करूँगा, तो अभी इसको अच्छे से मिला लूँगा मैं। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगा ताकि सोयाबीन को भी हम लोग जब खाएंगे तो मुँह में थोड़ा सॉल्टी लगेगा, क्योंकि सोयाबीन हम लोग ऐसे ही बॉईल करते तो उसमें टेस्ट कुछ आता नहीं। इसके लिए मैं सोया सॉस और अदरक लहसुन दिया हूँ ताकि थोड़ा सा उसमें टेस्ट भी आए और स्मेल भी लगे। तो देखिए मैं अभी ये जो पानी मैं अभी बॉईल करने रखा हूँ इसमें देखिए कितना अच्छे से मैं मसाला दिया हूँ। अभी इसमें से तो अभी इसमें दोस्त लोग, अब मसाले में अगर सोयाबीन बॉईल करेंगे ना तो ये जो मसाला, ये मसाले में आपका सोयाबीन के अंदर टेस्ट आएगा। तो अगर जो चिकन रहता है, जो चिकन का हम लोग चिकन जब बॉईल करते हैं उस टाइम अगर आप सोयाबीन बॉईल करेंगे ना तो सेम सोयाबीन में आपको चिकन जैसा फील आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कैसा है चिकन बिरयानी या चिकन राइस या चिकन फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें सोयाबीन भी थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। तो उस टाइम कैसा करते हैं कि चिकन के साथ साथ सोयाबीन भी उन लोग बॉईल करते हैं साथ में, तो कैसे चिकन के अंदर का जो टेस्ट है वो सोयाबीन के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि सोयाबीन एक टेस्टलेस है। उसको हम लोग जैसे टेस्ट बनाएंगे सोयाबीन वैसा हम लोग को खाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए पानी अभी थोड़ा बॉयल हो रहा है, तो पानी को मैं थोड़ा बॉयल करता हूँ अच्छे से, फिर मैं सोयाबीन उसमें ऐड करूँगा। तो देखिए दोस्तों पानी बॉईल हो चुका है, अभी पानी में मैं सोयाबीन ऐड करूंगा। तो दोस्तों स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, अदरक लहसुन का भी स्मेल आ रहा है और सोया सॉस का भी अच्छा स्मेल आ रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा अगर टेस्ट करके भी आप अगर सोयाबीन बॉईल करते हैं ना तो भी उसमें एक अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चिकन 65 की जैसे आप वेज 65 बनाना चाहते हैं सोयाबीन को देखें, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप ट्राई कीजिए कि सोया सॉस और अदरक लहसुन के पानी के अंदर आप सोयाबीन को बॉईल कीजिए, देखिए उससे कितना टेस्ट और अच्छा आता है। और अगर आपको थोड़ा सोयाबीन के अंदर चिकन जैसा फ्लेवर चाहिए तो एक दो पीस चिकन का इसमें डाल दीजिए और इसको बॉईल कीजिए, तो देखिए सोयाबीन के अंदर आपको चिकन जैसा फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों देखिए सोयाबीन अभी थोड़ा बॉयल हो चुका है। अभी आपको एक टिप्स देता हूँ, अगर आपको सूप पीना है या कुछ आपको मुंह में टेस्ट नहीं लग रहा है तो ये जो पानी है, ये जो वाटर है जो बॉयल किया और सोयाबीन के अंदर हम लोग जो पानी डाल के बॉयल किया था, ये पानी के अंदर आप थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा टेस्टी चाइनीज़ नमक और थोड़ा सा सेजवान सॉस डाल के अच्छे से इसको बॉयल करेंगे तो एक अच्छा सूप बन जाएगा। सूप बनने के बाद थोड़ा सा सोयाबीन इसमें से उठा के थोड़ा फ्राई करके इसके अंदर डालेंगे तो एकदम सोयाबीन जैसा सूप बनेगा। ये मैं एक दिन आपको वीडियो लेके आऊँगा घर जैसा सोयाबीन सूप कैसे बनाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप कैसे करता है। अभी पानी बॉईल कर रहा था तो मैं आपको बता दिया कि आपको बता दूँ कि ऐसा भी कुछ डिश बनते हैं। तो देखिए सोयाबीन अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अभी इसको मैं पूरा छान लूँगा। और दोस्तों आप सोयाबीन जब छानेंगे तो छन्नी से छानिए, छन्नी से छानने के बाद फिर उसको ठंडा करके इसको हाथ से निचोड़ के पूरा पानी निकाल दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ छानेंगे तो इसके अंदर का पानी रह जाएगा तो और टेस्ट नहीं आएगा उतना। तो आप हाथ से निचोड़ के अच्छे से उसको पानी नीचे निकालेंगे तो कैसा है कि पानी पूरा निकल जाएगा और उसमें एक अच्छा टेस्ट रह जाएगा। तो अभी ये सोयाबीन बॉयल हो चुका है, तो अभी मैं इसको पानी निकल के पूरा निचोड़ के लेके आता हूँ। तो देखिए दोस्तों सोयाबीन को मैं पानी निकल के इसको निचोड़ के अच्छे से लेके आया हूँ, तो देखिए कितना थोड़ा ब्लैकिश भी हो गया थोड़ा सा और ये टेस्ट भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको अदरक लहसुन और सोया सॉस और नमक के अंदर बॉईल किया है। तो अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो कढ़ाई में मैं तेल डाल देता हूँ। तेल को मैं अच्छे से पूरे कढ़ाई में मिक्स कर लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं अदरक लहसुन को फ्राई करूँगा।
तो देखिए दोस्तों, अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं ऑनियन डालूंगा। ऑनियन को भी थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों मैं ऑनियन इसके लिए डाला कि थोड़ा स्वीट रहेगा, इसके लिए मैं ऑनियन डाला, नहीं तो आप ऑनियन नहीं भी डाल सकते। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगा, तो उसके ऊपर मैं कैप्सिकम दे देता हूँ, तो नीचे से कांदा भी फ्राई होते रहेगा और ऊपर से कैप्सिकम भी बॉयल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कांदा भी नीचे से लाल हो गया। तो अभी भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें बीन्स ऐड करूंगा। और ये जो कांदा स्प्रिंग ऑनियन के नीचे का जो भाग है वो मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। अभी इसको अच्छे से टॉस करूंगा मैं। अब इसको 5 मिनट तक थोड़ा लो फ्लेम में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से गल भी जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, भाजी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें मैं सोयाबीन ऐड करूंगा। अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगा ताकि अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुका है, सोयाबीन भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करता हूँ टेस्ट के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं टेस्टी नमक डालता हूँ, जो अजीनोमोटो बोलते हैं। आप टेस्ट के लिए डाल सकते हो, ऑप्शन है, नहीं भी डालना है तो भी नहीं डाल सकते आप। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। अब इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं स्प्रिंग ऑनियन ऐड करूँगा। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं इसमें राइस ऐड कर देता हूँ। ये मैं राइस ले आऊँ, अभी राइस ऐड कर देता हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, कलर कितना अच्छे से आया है। और इसमें थोड़ा मैं एप्पल विनीगर ऐड कर देता हूँ। एप्पल विनीगर ऑप्शन है अगर आपके पास एप्पल विनीगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिरका भी डाल सकते हैं या नींबू फूल या विनीगर भी डाल सकते हैं। मैं एप्पल विनीगर इसके लिए डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे एप्पल विनीगर बहुत पसंद है, टेस्ट भी अच्छा आता है उस पर। तो दोस्तों देखिए, राइस अभी बिल्कुल रेडी है और अच्छे से, कितना अच्छे से दिख रही है देखिए। अभी इसको मैं बोल में डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखा कैसे मैं फटक से आपको सोयाबीन राइस बना के दिखाया। ये बहुत ही इजी और सिंपल वे में सोयाबीन राइस बनाने का है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सिर्फ अदरक लहसुन सोया सॉस, एक थोड़ा सा चाइनीज नमक अगर टेस्ट के लिए आप डाल सकते, एप्पल विनीगर नहीं तो नॉर्मल विनीगर, राइस, सोयाबीन और थोड़ा सा वेजिटेबल।
तो अगर ये वीडियो देखो कितना अच्छे से मैं आपको बना के दिखाया, तो और टिप्स भी दिया गया इससे कि आप सोयाबीन का जो बॉयल करने के टाइम अगर अदरक लहसुन उसमें डाल के अगर बॉयल करते तो सोयाबीन में भी एक अलग टेस्ट आता है, या उसमें कुछ चिकन डालते तो चिकन जैसा फ्लेवर सोयाबीन में आ जाता है। तो ऐसा सब यूनिक रेसिपी यूनिक टेक्निक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी जो मैं राइस बना के लेके आया हूँ तो मैं भी देखता हूँ कितना अच्छा टेस्ट बना है। मैं तो आप लोग को दिखाने के लिए बना तो दिया, अभी कितना अच्छा टेस्ट बना है मैं वो खा के आपको बताता हूँ कि कितना अच्छा टेस्ट है। तो चलो मैं खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख तो रहा है, सोयाबीन भी अच्छा दिख रहा है, राइस भी एकदम ग्लोसी ऑयलिश दिख रहा है। तो अभी इसको खा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें सब चीज़ का टेस्ट अच्छे से आ रहा है, अदरक लहसुन और सोयाबीन का भी जो हम लोग ने बॉईल किया था वो भी एक अच्छे से टेस्ट आ रहा है। तो बहुत तरीके से एक अच्छा है ये, जल्दी से राइस बनाने का 10 मिनट में भी आप बना सकते हो, 15 मिनट में भी आप बना सकते हो। तो ट्राई कीजिए आप घर पे कितना अच्छे से आप बना सकते हो, उसको टेस्ट कीजिए। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा वो स्टेप फॉलो कीजिए और आप देखिए कितना अच्छे से बना सकते हो। तो टेस्ट कीजिए और मेरे को कमेंट कीजिए कि कैसा बना। और तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये टेक्निक आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं डेली रूटीन डेली अपडेट लेके आता हूँ, डेली कुछ ना कुछ कुकिंग लेके आता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे महंगा हो चाहे छोटा हो, बट मैं रोज़ कुछ ना कुछ कुकिंग आपके लिए लेके आता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।